खंडवा जिले के मुंदी नगर में नगर परिषद चुनाव के लिए नगर में ऐतिहासिक जीत के लिए कांग्रेस कार्यालय में पधारे पर्यवेक्षक के रूप में अभिषेक सिंह बदनावर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। वहीं सभी कार्यकर्ताओं ने अपने मन की बात पर्यवेक्षक के बीच रखी और कहा कि कांग्रेस ऐसे व्यक्ति को टिकट दे जिसमें हर कांग्रेस कार्यकर्ता उस व्यक्ति को जिताने के लिए मेहनत करे। वहीं पर्यवेक्षक अभिषेक सिंह बदनावर ने बताया कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा और 11 वार्डों में हम जीत प्राप्त करेंगे। अध्यक्ष पद पर हम भी जीतेंगे। कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई भी सक्रिय महिला नजर नहीं आई। ऐसे में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए किस महिला को टिकट देगी ये आने वाला वक्त बता पाएगा। मुंजी शाहरुख मंसूरी की रिपोर्ट। तो कांग्रेस युवा टिकट देगी या सीनियर? देखिए, कांग्रेस सीधा सा विधानसभा में जो फॉर्मूला था कांग्रेस का कि सर्वे के आधार पर टिकट दिया जाएगा और निश्चित तौर पर हम उसे ज़्यादा अच्छा मानते हैं उस आधार को। सर्वे के आधार पे जो भी वो युवा हो या बुजुर्ग हो, जो भी जिताऊ प्रत्याशी होगा, जो जीतने योग्य होंगे, हम उन्हें सर्वे के आधार पर टिकट देंगे। कांग्रेस यहाँ पर कितनी जीत की संभावना देखती है? निश्चित तौर पे हम पिछला चुनाव भी लगभग यहाँ से 300-350 वोटों से हारे थे और मैं नहीं मानता हूँ कोई बड़ा आंकड़ा था वो। और इस बार हम लोग पूरी ताकत से, मेहनत से, दमदारी से लड़ेंगे और 10 से 11 कम से कम पार्षद हम लोग जीत के आएंगे और अध्यक्ष का पद भी हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। मोदी नगर परिषद में से कोई भी सक्रिय कार्यकर्ता लेडीज नहीं है, इस बार नगर परिषद की टिकट महिला है, फिर कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, मैं आज पहली बार प्रथम यहाँ पे आगमन हुआ है मेरा, मैं अभी सबसे व्यक्तिगत तौर पर मिल रहा हूँ और उसके बाद फिर जो भी निकल के आएगा उसमें हम ढूंढेंगे अच्छे से अच्छा उम्मीदवार और पेश किया जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।